हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप सभी भक्तों का इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिछले सत्र में हम सबों ने केवट के दिव्य प्रसंग का श्रवण किया था। भगवान गंगा के पार उतरते हैं, शिव जी की स्तुति करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते चलते चलते प्रयाग में पहुंचे हैं। बहुत सुंदर त्रिवेणी का संगम है। तीर्थराज प्रयाग में भगवान ने लोक विधि के अनुसार जगत में रहने वाले लोगों के लिए आदर्श स्थापित करते हुए त्रिवेणी में स्नान किए, वैनी माधव का दर्शन किए, अक्षय वट वृक्ष का परिक्रमा किए और तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। भगवान श्री रामचंद्र भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं, एक दिन वहां पर रुके हैं, दूसरे दिन विदा ले रहे हैं। भरद्वाज ऋषि बहुत सुंदर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते हुए बहुत सुंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं, कर्म वचन मन छाड़ी छल जब लागे जनून तुम्हार, तब लगे सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। हे प्रभु, इस संसार में रहने वाला जीव अपने कर्म अपने ज्ञान सब कुछ छोड़कर जब तक आपके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाता, जब तक आपको पूर्ण रूप से जान नहीं लेता, तब तक करोड़ों करोड़ों उपाय करने के बाद भी वह जीव सुखी नहीं हो सकता है। हम हजारों उपाय करते हैं, लाखों उपाय करते हैं अपने जीवन में सुख होने के लिए, सुख लाने के लिए हम हजारों उपाय करते हैं, लेकिन हम सुखी नहीं हो सकते हैं। प्रहलाद महाराज तो कहते हैं ना कि जीवन कैसा है, तो पुनः पुनः चर्वित चरवणाम, जैसे चबाए हुए गन्ने से फिर से रस नहीं निकल सकता, ठीक उसी प्रकार से ये जीवन है। इस जीवन से आप कितना भी इसे सुख का प्रयास कर लो, लेकिन इसमें रस नहीं मिल सकता, आपको इस जीवन में आनंद नहीं मिल सकता। यदि सुखी होना है तो अन्य सभी कारण छोड़कर भगवान को समझना होगा, तभी हम सुखी हो सकते हैं, वरना सुखी नहीं हो सकते। भगवान से प्रेम करना होगा। बहुत सुंदर दिव्य भगवान की भरद्वाज ऋषि ने स्तुति की। भगवान श्री रामचंद्र ने निवेदन किया कि हे महाराज, अब आगे हमें किस प्रकार से जाना है, वन का रास्ता बताइए। भरद्वाज ऋषि ने अपने चार शिष्यों को भगवान श्री रामचंद्र के साथ भेजा। प्रसंग तो बहुत दिव्य है भक्तों, और बहुत लंबा प्रसंग है। चार शिष्य वेदों के चार ऋचाएं हैं, चार शिष्य भगवान को राह दिखाते दिखाते उनके साथ जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते चार शिष्यों के साथ भगवान यमुना के तीर पर पहुंचे हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, हे विप्रो, हमने रास्ता देख लिया है, अतः आप वापस चले जाओ। यमुना तट पर भगवान ठहरे हैं और यमुना तट पर रहने वाले समस्त मनुष्यों को अपने दिव्य दर्शन से कृतार्थ कर रहे हैं। जंगल है, आदिवासी है, लेकिन भगवान आज उन्हें भी अपने दर्शन से कृतार्थ कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि आदिवासियों में से जो स्त्रियां थी वह सीता के साथ बैठी, आदिवासियों में जो स्त्रियां थी वह सीता के साथ बैठी, या फिर आदिवासियों में जो स्त्रियां थी देवी सीता उनके साथ जाके बैठी, और भगवान श्री रामचंद्र आदिवासियों में जो पुरुष थे उनके साथ बैठे। और सारी स्त्रियां मिलकर देवी सीता से पूछ रहे हैं, कहती हैं कि हे देवी, आप इतनी सुंदर हो, आप इतने कोमल हो, इस वन में क्या कर रहे हो? आप तो देखने में कोई राजकुमार लगते हो, इस वन में वनवासी के वेश में कोई राजकुमार, इस कठोर वन में इतने कोमल कोमल पग रख रही हो, हे देवी आप हो कौन?
अनेक प्रकार से प्रश्न पूछते हैं और फिर स्त्रियां सीता से पूछती है कि हे देवी, कोटि मनोज लजाव निहारे, समुख कहो को अही तुम्हारे। करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले तुम्हारे साथ जो ये दो पुरुष हैं वो कौन है? जगत जननी माता भगवान के बारे में और लक्ष्मण जी के बारे में किस प्रकार से मर्यादा पूर्ण बताती है भक्तों, सुनिए। जगत जननी की माता की मर्यादा देखिए, क्योंकि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अतः राम कथा में हर जगह पे आपको मर्यादा दिखेगा। जगत जननी माता की मर्यादा देखिए, जब पूछा गया सीता से कि आपके साथ ये जो दो पुरुष हैं वो कौन है, तब देवी सीता ने सर्वप्रथम लखन लाल के विषय में बताया। बोले हे देवियों, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर। वे जो गोर वर्ण के है ना, नाम लघु लघु देवर, उनका नाम लखन है और वो मेरे देवर है। और उनके साथ जो है ना, उन्हें बताने के लिए सीता देवी ने क्या किया, बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी, पियतन चित ही भौ कर बाकी। शर्माते हुए कहती है, पियतन चित ही भौ कर बाकी, एक शब्द मुख से निकाला नहीं, अपनी भौं को टेढ़े करके आंचल को ढक कर शर्मा कर कह दिया कि वो मेरे वो है। समझ गए, समझ गए, जंगल में रहने वाले बिल्ली समझ गए कि इनके पति है। और आज आप पूछो कि ये जो आपके साथ चल रहे हैं वो कौन है, ये मेरा हस्बैंड रोहित है, ऐसा बोल रहा है कि लगता है अभी गोद में उठा लेगी। कितनी मर्यादा होती थी भक्तों, आर्यवर्ष की नारी में क्या मर्यादा है, माता सीता बता रही है। शर्माते हुए कहती है, पियतन चित ही भौं कर बाकी, एक शब्द मुंह से नहीं निकाली, बस अपनी भौं को टेढ़ी करके आंचल को ढक कर शर्मा कर कह दिया वो मेरी वो है। समझ गए, जंगल में रहने वाले भिल्ली समझ गए कि वो इनके पति हैं। तो क्या आज शहर में रहने वाले बुद्धिमान लोग नहीं समझेंगे कि वो मेरे वो है? नाम बताना जरूरी है कि ये मेरा वो है, ये मेरा रोहित है, ये मेरा रमेश है, ये मेरा सुरेश है, ये बताना जरूरी है? मर्यादा होनी चाहिए भक्तों, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा में हर जगह पर मर्यादा होती है। और ये मर्यादा ही है जो हमें पशुओं से भिन्न करती है, नहीं तो बताइए क्या अंतर है पशुओं में? कुछ अंतर नहीं है भक्तों, अंतर यही है कि पुरुष मर्यादित है, मनुष्य मर्यादित है, और पशु में कोई मर्यादा नहीं है। मर्यादा होनी चाहिए। आज पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, सास बहू में झगड़े हो रहे हैं, इसका एक ही कारण है, समाज में रहने वाले लोग अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की हम कथा सुन रहे हैं, इस कथा से हम कुछ सीखें या ना सीखें भक्तों, लेकिन इतना तो सीख कर जाएं कि आज से अब से हमारा जीवन मर्यादा में रहेगा, आज से हम मर्यादित जीवन व्यतीत करेंगे। बिना मर्यादा के जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। उदाहरण दिए थे ना पिछले बार की, जैसे कोई आपको बहुत सुंदर गाड़ी दे, बोले ठीक है भाई लेके जाओ, आप चला रहे हैं मर्सिडीज, पूरे स्पीड में जा रहे हैं 200 की स्पीड में हाईवे पे, फिर थोड़ी देर चलाने के बाद 200 की स्पीड में आप गए, वो आदमी फ़ोन करे, कैसा है गाड़ी? बहुत सुंदर है। रंग कैसा है? बहुत सुंदर है। सीट कैसा है? बहुत सुंदर है। स्टेयरिंग कैसा है? बहुत अच्छा है। टायर कैसा है? बहुत सुंदर है। अच्छा थोड़ा ध्यान से चलाना क्योंकि गाड़ी में ब्रेक नहीं है। उस गाड़ी का क्या काम, कितना भी सुंदर रंग हो, कितना भी सुंदर रूप हो, कितना भी सुंदर बाल हो, यदि जीवन में मर्यादा नहीं तो अपना जीवन ठीक उसी गाड़ी की तरह है। मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए भक्तों। आज जीवन मर्यादित नहीं रहा है, खाने में मर्यादा बिगड़ी है, मनुष्य में कोई मर्यादा नहीं, पशु पक्षी तक अपनी अपनी मर्यादा में है, लेकिन आज मनुष्य ने अपनी मर्यादा छोड़ दी है। आज गाय को कहना नहीं पड़ता कि तुम गाय बनो, कुत्ते को नहीं कहना पड़ता कि तुम कुत्ता बनो, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, आज एक मनुष्य को कहना पड़ता है कि कम से कम तुम एक मनुष्य तो बन जाओ, कम से कम मनुष्य तो बनो,
आज आप देखेंगे गाय को घास खाने के लिए बनाया है तो गाय घास ही खाती है, गाय कभी मांस नहीं खाती। कभी आपने देखा है गाय को मांस खाते हुए? कभी गाय मांस नहीं खाती है। शेर को मांस खाने के लिए बनाया है तो शेर मांस ही खाता है, कभी वो घास नहीं खाता है। चिड़िया को दाना चुगने के लिए बनाया है तो चिड़िया दाना ही चुगती है, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, मनुष्य को यन्न खाने के लिए बनाया है लेकिन मनुष्य यन्न ना खा करके बाकी सब कुछ खा रहा है। घास भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है, कुत्ते का भी जलता है, सुअर का भी जलता है। और आज तो भक्तों बात गाय तक आ गई है, अब तो गाय का भी। बहुत दुर्भाग्य है भक्तों इस देश का कि जिस गाय के पीछे, जिस देश में जिस गाय के पीछे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव चलते थे, उस गाय को आज मार कर, कष्ट देकर, काट कर खा जा रहा है। ये कोई धर्म नहीं है भक्तों कि गाय को मार कर खा जाना, कोई भी पशु को मार कर खा जाना। चैतन्य महाप्रभु काजी से मिले, काजी को कहा, काजी तुम दूध किसका पीते हो? काजी ने कहा, गाय का। यन्न तुम्हें कौन देता है? बैल से खेती करते हो, यन्न उगाते हैं। बोले, तुम माँ का दूध 1 से 2 साल के लिए पिए और तुम उसे जिंदगी भर माँ कहते हो, और गाय माता तुम्हें जिंदगी भर दूध पिला रहे हो, क्या तुम्हारी वो माँ नहीं हुई? गाय तुम्हारी माता है, बाप तुम्हारा, बैल तुम्हारा पिता है, माता पिता मारी खाबो ये कौन बड़ा धर्म? माता पिता को मार कर खा जाना ये कौन सा बड़ा धर्म है? काजी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंडवत। लेकिन आज दुर्भाग्य है भक्तों इस कलियुग का, इस देश का, हमारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है इस मानव समाज का कि भारत जैसे सुसंस्कृत देश में भी रोज लाखों गायें काटी जा रही है। केवल कलकत्ते की बात की जाए, कुछ दिन पहले का एक सर्वे रिपोर्ट था, उसमें 2.5 लाख गाय मात्र कलकत्ते में काटा जा रहा है। यदि मैं गाय के ऊपर बोलूं तो पूरी रात बीत जाए, लेकिन आप लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, समझिए, अपनी मर्यादा में रहिए। मर्यादा को मानव समाज की कुछ मर्यादा की जरूरत है, आप मर्यादा में रहिए, समझिए अपने कर्तव्यों को। रामायण हमें कर्तव्य को दिखा रहा है। देवी सीता बड़ी मर्यादा से उत्तर दे रही है, धीरे धीरे भगवान श्री रामचंद्र आगे बढ़ रहे हैं और संतों का, साधुओं का दर्शन करते हुए उस वनवास के काल में आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, धीरे धीरे चलते चलते उस जंगल में, उस कटीले वृक्ष में भगवान चल रहे हैं। चलते चलते भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, वाल्मीकि ऋषि ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की, बहुत सुंदर दंडवत किए, प्रणाम किए और स्तुति किए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वाल्मीकि ऋषि ने बहुत सुंदर भगवान को प्रणाम किया, दंडवत किए और भगवान से, भगवान की स्तुति करने लगे। कहते हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगोपालति हरति रूप पाए परिधान की, जो सृजति जगोपालति हरति रूप पाए कृपा निधान की। हे प्रभु आप साक्षात भगवान हो, श्रुति सेतु पालक आप, श्रुति सेतु का अर्थ है धर्म, आप धर्म का पालन करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हो। प्रभु आप जगदीश हो, जगत के ईश्वर हो, और ये माया आपकी ही शक्ति है। सृजति जगपालक आप ही संसार का सृजन करते हो, आप ही संसार का पालन करते हो और आप ही संसार का प्रलय करते हो। जो सहस शिशु यही समय धरो लखन चरा चरणी,
जो सहस सुहसी मही धरोल सचरा चर धरी सुर काज धरि न राज चल दल खल निसी चर अनि सुर काज धरि न राज चल दल खल निसी चर अनि जो सहस सुहि सुमही धरु लखन सराचर धनी। बहुत सुंदर स्थिति की भगवान श्री रामचंद्र वाल्मीकि आश्रम में रुके हुए हैं। बहुत सुंदर भक्त हैं भगवान के, बहुत सुंदर भाव है। वाल्मीकि ऋषि और भगवान श्री रामचंद्र के बीच बहुत सुंदर संवाद हुआ। भगवान श्री रामचंद्र एक दिन वाल्मीकि जी के आश्रम में रुके हैं और दूसरे दिन सुबह भगवान श्री रामचंद्र लखनलाल और जगत माता जगत जननी माता सीता तीनों वाल्मीकि ऋषि के आश्रम को छोड़कर जा रहे हैं। उसी समय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम करके कहते हैं कि हे महाराज, हम लोग 14 साल के लिए वन के लिए निकले हैं और अब हमें वन में प्रवेश करना है और एक जगह पे बस जाना है। अतः महाराज, आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे कोई ऐसे स्थान का निर्देश कीजिए जहाँ पर मैं और मेरी पत्नी और सीता और मेरा भाई लखन के साथ में रह सके। यद्यपि भगवान सब कुछ जानते हैं भक्तों, क्या भगवान को नहीं पता कहाँ रहना है, लेकिन भगवान अपने भक्त के मुख से बुलाना चाहते हैं, वाल्मीकि ऋषि के मुख से हम जगतवासियों को उपदेश दिलाना चाहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान का प्रश्न है कि ऐसे जगह का निर्देशन करो जहाँ पर मैं रह सकूँ। जब भगवान ने वाल्मीकि ऋषि को ऐसा पूछा तो वाल्मीकि जी कहते, प्रभु सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप कहाँ नहीं रहते हो, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे आप नहीं रहते हो। प्रभु आप तो हर जगह पर हर घाट घाट में रहते व्याप्त हो, अच्छा प्रभु क्या आप नहीं जानते आपको कहाँ रुकना है। परंतु फिर भी प्रभु आपने मुझसे पूछा है, इसलिए आपके आदेश का पालन करते हुए आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। वाल्मीकि ऋषि भगवान के रहने के लिए कुछ स्थान बताए। आज हम लोग भगवान को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं। भगवान कैसे आएंगे हमारे घर पर, कैसे आएंगे हमारे हृदय में, यदि ये जानना है तो रामायण का ही अद्भुत प्रसंग। जो लोग भगवान को अपना घर बुलाना चाहते हैं, जो लोग भगवान को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं, वो इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनिए। वाल्मीकि ऋषि, प्रभु आप यही पूछना चाहते हो ना कि आपको कहाँ रहना है, तो प्रभु सुनिए, मैं आपको जहाँ पर बोलता हूँ वहीं पर आप रहिए। सबसे पहले वाल्मीकि जी भगवान राम को उत्तर देते हैं आपको कहाँ रहना चाहिए। हमारे मन में भी प्रश्न होता है, भगवान कहाँ रहते होंगे, भगवान हमारे घर में आएंगे कि नहीं। इसका उत्तर वाल्मीकि ऋषि देते हुए कहते हैं भगवान को कि आप कहाँ रहो, ध्यान से सुनिए, सुनकर खुद विचार कीजिए। यदि आप ये सब कर्म करते हैं, ये सब क्रियाएं आप करते हैं, तो निश्चित भगवान आपके घर में रहते होंगे, निश्चित आपके हृदय में। उत्तर देते हुए वाल्मीकि ऋषि प्रथम स्थान का निर्देशन करते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे प्रभु, इस संसार में जिनके श्रवण समुद्र के समान विशाल हो, जैसे समुद्र में निरंतर अनगिनत नदियां प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार जो लोग अपने कर्म के माध्यम से, अपने कान के माध्यम से नित्य निरंतर आपकी कथा सुनते रहते हैं, राम और कृष्ण की कथा सुनते रहते हैं, उनके हृदय में आप निश्चित रहिए। भगवान को रहने को स्थान बता रहे हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। जो लोग अपने कर्म के माध्यम से 24 घंटा भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उनके हृदय में भगवान रहते हैं। परंतु साथ ही साथ कुछ टर्म एंड कंडीशन बताए, शर्त बताए, कैसे, तो भर ही निरंतर हो ही ना पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह कूरे।
जो लोग अपने कर्म के माध्यम से 24 घंटा भगवान की कथा सुनते रहते हैं उनके हृदय में भगवान रहते हैं, और इतना ही नहीं भर ही निरंतर हो ही ना पूरे। 24 घंटा कथा सुनने के बाद भी जो तृप्त ना हो, उसे ललसा लगे रही कि इतनी छोटी सी कथा है, कथा तो और होनी चाहिए, ऐसे लोगों के हृदय में भगवान आप रहो। वाल्मीकि ऋषि भगवान को बता रहे आप ऐसे लोगों के हृदय में रहो। हमारी हालत तो ऐसी है कि हम 1 घंटा कथा सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे वेद और शास्त्र का ज्ञान आ गया है हमें, हम परम ज्ञानी हो गए, अब तो हमें कथा सुनने की जरूरत ही नहीं। भगवान के सारी लीलाओं का श्रवण कर लिया, हम जीवन भर का कथा श्रवण कर लिया, अब तो जरूरत ही नहीं। हम लोग कहते हैं आओ कथा में, कहते नहीं प्रभु जी हमने तो कथा श्रवण करके रखा है। ऐसे लोगों के हृदय में भगवान नहीं रहते हैं। वाल्मीकि ऋषि साफ साफ कह रहे हैं कि जिनके हृदय में कभी आपके कथा के प्रति जो लालसा है वो कम ना हो, उसके हृदय में आप रहिए। जिनकी लालसा खत्म हो गई उनके हृदय में मत रहिए। उदाहरण देते हुए कहते हैं निद्र ही सरत सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। वाल्मीकि कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र के समान है, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे समुद्र में अथाह मात्रा में जल होता है, समुद्र में जल की कमी है नहीं, समुद्र जल से भरा हुआ है, और फिर भी वे किसी नदी को कभी अपने में गिरने से मना नहीं करता। समुद्र में अथाह जल है और फिर भी नदियां गिरते रहती है उसमें, लेकिन फिर भी समुद्र ने कभी किसी नदी को मना नहीं किया, गंगा नदी को अपने में गिरने से मना नहीं किया। कभी सुना आपने कि समुद्र ने कहा कि हे गंगा देवी, हे यमुना देवी, अब आप बहुत मेरे में गिर ली, अब हम भर चुके हैं, अब तुम रुक जाओ, अब मेरे में मत गिरो, तुम्हारी जरूरत नहीं, अब आप रुक जाओ, कभी नहीं कहते। जैसे समुद्र में अथाह मात्रा में जल होता है फिर भी निरंतर उसमें अनेकों नदियां अथाह जल के साथ प्रचंड वेग से गिरती रहती है, फिर भी समुद्र ने किसी को मना नहीं किया, वैसे ही जो अपने कर्म के माध्यम से अथाह निरंतर मात्रा में भगवान की कथा सुनते रहते हैं उनके हृदय में भगवान रहते हैं। और यही प्रश्न नारद पुराण में एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, आपका पता बता दीजिए, आपके भक्त लोग मांगते रहते हैं, आपका कोई विजिटिंग कार्ड है तो मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा। भगवान बोले नारद ये सृष्टि के कार्य से फुर्सत ही नहीं मिला कि विजिटिंग कार्ड बनवाऊं। बोले अच्छा छोड़ो प्रभु आप तो कहाँ रहते होंगे, आप तो वैकुंठ में ही रहते होंगे ना। भगवान बोले ना नारद, ना हम वशामी वैकुंठे, नारद में वैकुंठ में नहीं रहता। तब तो प्रभु आप निश्चित योगियों के हृदय में रहते होंगे, कितना मेहनत करते हैं बेचारे, सिर नीचे पांव ऊपर, अष्टांग योग अनुलोम विलोम, कितना मेहनत करते हैं समाधि प्राणायाम, निश्चित आप उनके हृदय में रहते होंगे क्योंकि रोज बेचारे सवेरे उठ जाते हैं मेहनत करते हैं। तब भगवान कहते हैं नहीं नारद, योगी नाम हृदय हुआ, हे नारद मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। प्रभु जब आप इसमें नहीं रहते तो फिर आप कहाँ रहते हैं। तब भगवान अंत में कहते हैं नारद मद भक्ता यत्र गायंत्री तत् तिष्ठामि नारदा। नारद जहाँ पे मेरी कथा करते हैं, मेरे भक्तगण मेरा नाम लेते हैं, वहाँ पर मैं निरंतर नित्य निरंतर उपस्थित रहता हूँ। ये परम सत्य है भक्तों, जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर भगवान निश्चित उपस्थित हो जाते हैं। तो परम सौभाग्य है भगवान का, भगवान को प्रकट कराने वाली, भगवान को हृदय में स्थान देने वाली भगवान की कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। और इस अवसर के पीछे एकमात्र कारण हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य ये श्री भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी एवं हमारे पूज्य गुरुदेव एच जी श्री लाल गोविंद दास प्रभु जी की कृपा है। इस प्रकार से पहले स्थान का वर्णन किया, तत्पश्चात दूसरा स्थान का निर्देशन करते हैं। लोचन चातक जिनकर ही राखे रही दर्शन जलधर अभिलाषी। जो अपनी आँखों से भगवान का दर्शन करते हैं, जो मंदिर में जाकर भगवान को निहारते हैं और उनके छवि को अपने हृदय में बसाते हैं, अपनी आँखों के माध्यम से भगवान के रूप को हृदय में बसाते हैं, उनके हृदय में प्रभु आपका घर है, उनके हृदय में एक बहुत सुंदर आपका घर है प्रभु, आप उस घर में जाके रहिए। तीसरा स्थान बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु जो लोग आपको भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं ना उस भोजन को, आप उनके घर में जाइए,
जो लोग बिना भोग लगाए, बिना भगवान को भोग लगाए अपने इंद्र तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, प्रभु आप उनके घर में नहीं जाएंगे। तो कितने लोग यहाँ पे भोजन भोग लगा के ग्रहण करते हैं? एक दो तीन, तीन ही माता जी। हरि बोल। भगवान को भोग किस तरह से लगाया जाता है? भगवान को भोग उस तरह से लगाया जाता है जो एक 21 वर्ष का लड़का जितना भोजन करता है भगवान के थाली में उतना भोजन होना चाहिए। जब तक आप भगवान को भोग लगा कर नहीं खाएंगे तब तक वो प्रसाद नहीं हो सकता। और भगवद गीता में भगवान कहे हैं कि जो बिना मुझे अर्पित किए हुए खाता है वो भोजन नहीं खाता है। मैं बोलूँ क्या खाता है? थोड़ा कड़वा है, वो पाप खाता है, वो भोजन नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवद गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि जो बिना मुझे अर्पित किए हुए भोजन ग्रहण करता है वो भोजन नहीं खाता है। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो आप अपने ऊपर एक पाप को लदा रहे हैं। इसलिए भगवान को भोग लगा के खाइए। कैसे भोग लगाना है यदि ये जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो माता जी भी आपको बता सकती है कैसे भोग लगाना है, लेकिन भोग लगा के ही ग्रहण कीजिए। और भगवान को देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान नमक नहीं खाते हैं। भगवान हमारे भगवान रसिक हैं, उनको चटपटा चीज़ बड़ा पसंद है, तो आप उनके लिए जो जो अच्छा चीज़ बना के खिलाएंगे वो खाएंगे, कुछ भी हो, एनीथिंग। लेकिन भगवान क्या खाते हैं ये आपको थोड़ा जानना जरूरी है, क्या नहीं खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेषति। भगवान मांस मछली अंडा चाय कॉफ़ी प्याज लहसुन दारू खैनी तंबाकू पुड़िया गांजा ये सब चीज़ नहीं खाते हैं। तो ये सब चीज़ों से परहेज करते हुए सावधानी पूर्वक भगवान को भोग लगाइए। आप लोग के मन में विचार आता होगा चाय में क्या प्रॉब्लम है? चाय से प्रॉब्लम है भक्तों कि चाय आदमी को अपना गुलाम बना लेता है। और ये चाय हमारा इंडिया का नहीं, हमारे भारत का नहीं है। आपने अब कोई भी ग्रंथ पुराण पढ़ लीजिए, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि भगवान चाय पी रहे थे। अभी रामायण कथा श्रवण कर रहे थे, आप लोग कभी सुना कि प्रातः काल उठी रघुनाथा बोले चाय लाओ मेरी माता, कभी बोले क्या? नहीं बोले। चाय का हम गुलाम हो जाते हैं भक्तों। यदि बोलते चाय मत पियो, मस्तक दुखता है प्रभु चाय नहीं पीने से, हम नहीं पीते तो हमारा नहीं दुखता है। आप आदत बना लिए हैं, उसको छोड़िए। अतः भगवान को सावधानी पूर्वक भोग लगाएं और तत्पश्चात भगवान के भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और एक चीज़ याद रखें, आप जो भी भोजन बनाएं यदि आप उसे भगवान को चढ़ा देते हैं तो उस भोजन का स्वाद बदल जाता है। क्योंकि जब हम भगवान के सामने भोजन को रखते हैं और पट को बंद करते हैं तो भगवान उस भोजन को अपनी जिह्वा से स्पर्श करते हैं, और जब जिह्वा से स्पर्श करते हैं तो भगवान का स्वाद उस भोजन में, प्रसाद का स्वाद हो जाता है, और उस भोजन का फिर स्वाद किसी अन्य भोजन में नहीं मिलेगा। अतः सभी माताओं से निवेदन है कि आप सभी माताओं एवं प्रभु जी जो भी यहाँ आते हैं सब लोग भगवान को भोग लगा के ही खाइए। यदि आपको कोई मंत्र ना आवे, सिंपली भगवान के सामने थाली को रख दीजिए, भगवान के विग्रह के सामने या फिर भगवान के फोटो के सामने कि हे कृष्ण हे प्रभु मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ आप खाइए, आपके लिए ही ये भोजन लाया हूँ आप खाएंगे तभी हम खाएंगे। जब ऐसी भावना आ जाएगी भक्तों भगवान निश्चित भोजन को ग्रहण करेंगे। चौथा स्थान बताते हैं, शीश नवाही सुर गुरु दविज देखी प्रीति सहित करी विनय विशेषी। गुरु को देखकर, ब्राह्मण को देखकर, वैष्णव को देखकर जो शीश झुकाते हैं प्रभु आप उनके घर पर चले जाओ। कर नीत कर ही राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जो अपने हाथ से भगवान की पूजा करे, आरती करते हैं, भगवान के लिए हार माला बनाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, उनके घर पर आप रहो। आप भी माता जी भोग नहीं लगाते भगवान को? आपके इधर तो कथा हुई थी, और जहाँ पे कथा होता है वो घर घर नहीं रह जाता, वो एक तीर्थ स्थान बन जाता है, वहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो पवित्र हो जाता है। तो निवेदन है आप सबों से कि आप भोग लगाकर ही खाइए। ये गलत है, लहसुन प्याज खाना, आपको मालूम है लहसुन प्याज का उत्पत्ति कैसे हुआ है? लहसुन प्याज का उत्पत्ति हुआ कि जब राहु ने उस अमृत को पी लिया और भगवान कृष्ण को, विष्णु को पता चला कि राहु ने अमृत पी लिया है, तो भगवान ने जो उसके धड़ को काटा
तो उससे जो हड्डी गिरी वो हड्डी लहसुन के रूप में परिवर्तित हो गया, और उससे जो ब्लड गिरा, खून गिरा, वो खून प्याज के रूप में परिवर्तित हो गया। अतः लहसुन प्याज देखा जाए तो बहुत गुणकारी है, क्योंकि अमृत से प्रकट हुआ है, लेकिन राहु के एक असुर के एक राक्षस के मुख से होकर परिवर्तित हुआ है, अतः ये अशुभ है। और वैसे देखा जाए ना, फिजिकली देखा जाए तो कहते हैं लहसुन और प्याज जो है ना, ये दो गुंडे हैं, चंगू और मंगू नाम के दो गुंडे हैं। जैसे आप इसे कोई सब्जी में मिला दो, सारा सब्जी का टेस्ट खत्म, और लहसुन प्याज का चालो, और कुछ स्वाद ही नहीं लगता है। लहसुन प्याज छोड़ के और कुछ स्वाद ही नहीं है यदि आप लहसुन प्याज मिला दो तो। इसीलिए भगवान लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और लहसुन प्याज नहीं खाने से ऐसा नहीं है कि आपको वीकनेस आ जाएगा, फिर यानी कुछ आ जाएगा, आराम से छोड़िए। भगवान को प्रसाद करके खाइए, उसमें बहुत ताकत होता है। लहसुन प्याज में जितना एनर्जी है ना, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा भगवान के जूठन भोजन में है। अतः भगवान को भोजन लगाइए और उसको ग्रहण कीजिए। देखिए, ये मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बिना भगवान को भोग लगाए हुए जो भोजन करते हैं, अभी बोला ना वाल्मीकि ऋषि ने, प्रभु आप उनके घर में जाओ ही मत, अब भले कितना भी फोटो लगा दो, कितना भी विग्रह लगा दो, भोजन नहीं देते हो भगवान को तो भगवान वहाँ रहेंगे ही नहीं। वाल्मीकि ऋषि ने कह दिया है, क्योंकि भगवान कभी कभी अपने बात को झूठा कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के बात को झूठा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अतः वाल्मीकि ऋषि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने कह दिया तो भगवान कभी नहीं जाएंगे। इसलिए भोग लगाकर भोजन को ग्रहण कीजिए, प्रसाद को ग्रहण कीजिए। कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। आपका कोई प्रश्न हो तो मैं इसके बाद आपका आंसर कर दूंगा। कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जो अपने हाथों से भगवान की पूजा करते हैं, जो उनका स्नान कराते हैं, आरती करते हैं, भगवान के लिए हार माला बनाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, उनके घर पर प्रभु आप जाओ। चरण राम तीर्थ चली जाई, राम बसहु तिनके मन माई। हे प्रभु, जो भगवान के पवित्र धामों में विचरण करते हैं, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, मायापुर, गोकुल, जगन्नाथपुरी, ऐसे पवित्र स्थानों में जो धामों में जो विचरण करते हैं, प्रभु आप उनके हृदय में जाके बैठ जाओ, उनके घर में जाके आप रहो। और अंत में कहते हैं, मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम्हें सहित परिवारा। महामंत्र का जो जाप करते हैं, जो भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, प्रभु आप उनके घर में जाकर रहो। क्योंकि प्रभु जो महामंत्र को जाप करते हैं, ऐसे महामंत्र का जो जाप करता है, उनके घर में तुरंत चले जाओ बिना देरी किए हुए, क्योंकि उनका घर परम पवित्र हो जाता है। रामायण पढ़ना जरूरी है भक्तों, सिर्फ मंत्र नहीं लिखा है, क्या लिखा है? महामंत्र। क्योंकि मंत्र तो अनेक हैं, सात उपनिषद पुराण में अनेक मंत्र हैं, परंतु रामायण में मंत्र नहीं महामंत्र लिखा है, मंत्रों के राजा जो है उनका। और भक्तों, सभी मंत्रों का राजा एक ही महामंत्र है, जिस मंत्र में भगवान का राम का नाम है, और जिस मंत्र में सर्वपरि सर्वातारी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। और वो मंत्र कौन सा है आप सब जानते होंगे, कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र का जो जाप करता है, प्रभु आप उसके घर में जाके निवास कीजिए, क्योंकि उनका घर परम पवित्र हो जाता है। इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि ने भगवान को स्थान बताए, और स्थान बताते हुए और स्थान का निर्देशन करते हुए वाल्मीकि ऋषि अंत में कहते हैं, चित्रकूट गिरि करह निवासा, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। हे प्रभु, आप चित्रकूट जाइए, और चित्रकूट जाकर आप निवास कीजिए। वाल्मीकि ऋषि से विदा लेकर भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट गए हैं। मंदाकिनी की पवित्र धारा बह रही है, चित्रकूट में लखनलाल ने भगवान श्री राम के लिए बहुत सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया। भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट में 13 वर्ष के लिए उस पर्णकुटी में रहे।
बहुत सुंदर पर्ण कुटी है उसमें रह रहे हैं, परंतु गोस्वामी जी वर्णन करते हैं 13 वर्ष के लिए एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जब राम को अपने पिता की याद ना आई हो, अपनी माता की याद ना आई हो, अपनी अयोध्या की याद ना आई हो। लखनलाल रोज ही उस कुटिया के पहरा करते थे, परिक्रमा करते थे, प्रभु कुटिया में सोते थे, लेकिन एकाएक अचानक रात को भगवान जग गए। भैया क्या हुआ, आप क्यों जग गए? उस समय भगवान की आंखों में आंसू आ जाते। यवध सुधि करही, यवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। जब जब राम यवध सुधि करही, अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सीलु सेवकाई। जब जब राम अवध सोध करही, यवध सोध करही, तब तब बारी विलोचन भरही। गोस्वामी जी कहते हैं जब जब राम रात को जगह जाते हैं, आंखों से अश्रु निकल पड़ते हैं, रोते थे भगवान। जब जब अवध की याद आती थी, भगवान जग जाते थे, अपने माता पिता को याद करके रोते थे, भाई भरत को याद करके भगवान रोते थे, इतने रोते थे कि लखन की बस में नहीं रहते थे। जैसे एक छोटा बालक किसी वस्तु के लिए जोर जोर सर फूट कर रोता है, उस प्रकार से भगवान चित्रकूट के आश्रम में प्रभु रात रात भर रोते थे। लक्ष्मण पूछे, भैया भैया क्या हुआ है, आप इतने जोर से क्यों रो रहे हो? भगवान बस इतना ही कहते थे, लखन लखन मोहे कई कई शुद्ध की याद सतावे, लखन मुझे कई कई नंदन भरत की याद सता रही है, मुझे आज मेरा भाई भरत याद आ रहा है। इस प्रकार भगवान के हृदय में दुख था, विलाप करते थे, धीरे धीरे समय बीत रहा था। रामायण का आरंभ इस प्रसंग को सुमंत्र जी के साथ अयोध्या लेके जाएंगे। अगले सत्र में हम अयोध्या की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक आइए, मैंने बोला कि आपको भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए। इस विषय में कहते हैं कि एक समय में हमारे भारत में ऐसा दिन था जब प्रत्येक माताएं कृष्ण को अपना भक्त समझती थी, अपना पुत्र समझती थी, और बिना भोग लगाए हुए उन्हें भोजन नहीं करती थी, बिना भगवान को स्नान कराए हुए वो भोजन नहीं करती थी। इसलिए कहते हैं, यमुना जल मां केसर घोरी, अस नान कराओ श्याम ला। यमुना जल मां केसर घोरी, यश नान कराओ श्याम ला। यमुना जल मां यमुना जल मां केसर घोरी, स्नान कराऊं श्याम ला। यमुना जल मां केसर घोरी। कहते एक समय हमारे भारत में ऐसा था जब प्रत्येक भारतवर्ष की नारी, प्रत्येक वर्ष भारत की वर्ष की माताएं प्रत्येक दिन भगवान को स्नान कराते थे। कैसे? तो हल्के हाथों से। कैसे? तो यमुना जल में केसर घोल के। यमुना जल मां केसर घोरी, स्नान कराऊं श्याम ला। यमुना जल
केसर घोरी स्नान कराऊ श्याम लाल हल्के हाथों अंगो चोली स्नान कराऊ श्याम लाल यमुना जल मां केसर घोरी भगवान को बहुत सुंदर अच्छे से मलमल के कपड़े से भगवान को पहुँचते थे। स्नान करके जैसे एक बच्चे को पहुँचा जाए वैसे भगवान को पहुँचते थे और उन्हें भोग लगाते थे। भगवान को भोग लगाते थे, माखन दही इत्यादि अनेक प्रकार से भगवान को अभिषेक करते थे और उन्हें भोग लगाते थे। इस प्रकार से भक्तों भगवान का अनेक प्रकार से पूर्व में माताएं भगवान की सेवा करती थी। आज तो समय बदला है, समय समय के साथ सोच बदला है और भगवान की इस तरह से पूजा नहीं की जा रही है, लेकिन ये बहुत गलत बात है भक्तों। भगवान को स्नान कराना, भगवान को भोजन कराना, ये भगवान के प्रति आपके प्रेम को व्यक्त करता है। इसीलिए हो सके जितना हो सके आप भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो आज की कथा को ये समाप्त करेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न बोलिए। ठीक, कोई प्रश्न है किन्हीं का? माता जी कुछ भी नहीं जी? मधु सर तुलसी दल, हाँ लगाते ठीक है। हाँ ये अलग बात है, लेकिन मैंने पहले बोला भगवान कैसे हैं, तो भगवान जैसे एक 18 साल का युवक होता है भगवान वैसे हैं। तो आपको लगता है कि दो दाना मिश्री से भगवान का पेट भर सकता है? यदि आपको लगता है कि दो दाना मिश्री के से भगवान का पेट भर सकता है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन भगवान ये भी कहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यदि कुछ नहीं है तो आप मुझे पत्र पुष्प फल भेंट कर सकते हैं, और यदि ये सब भी नहीं है तो एक तुलसी का पत्ता भी दे दीजिए, और यदि वो भी नहीं है तो बस प्रेम से प्यार से मुझे याद करते हुए अपने आंखों से एक बूंद अश्रु गिरा दीजिए, मेरे लिए इनफ है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई इस लेवल के लोग हैं, सब लोग समर्थ हैं भगवान को भोग लगाने के। किस कंडीशन में ये बताए? जब आपके पास कुछ नहीं हो। हमारे पास तो सब कुछ है भाई, गाड़ी है, बंगला है, एवरीथिंग, तो उस अनुसार से ठीक है आप कर रहे हैं, अच्छी है, अच्छी बात है, जारी रखिए। लेकिन प्रयास कीजिए कि भगवान को पूर्ण रूपेण भोग लगा के खाया जाए। लहसुन प्याज में कोई टेस्ट नहीं है, अब प्रयास कीजिए बिना बनाए हुए, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं पहले बहुत खाता था लेकिन बहुत दिनों से नहीं खा रहा हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं चूजी टाइप का फूड सेलेक्टर का, मतलब मुझे बहुत कम खाना पसंद था, बहुत सेलेक्ट करके मैं खाना खाता था। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मुझे जो मिल जाता है मैं खा लेता हूँ, सब में स्वाद लगता है, पहले स्वाद नहीं आता था इसलिए मैं सेलेक्ट कर करके खाना खाता था। आप लोग भी ट्राई कीजिए भगवान को भोग लगाने का। और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, तो आइए हम कुछ देर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और फिर उस कथा को विरामते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम पर
के दिव्य नाम का उच्चारण किया। ये जीवन भी तुमको
खाना ना छोड़ो मझदा कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार की जय नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।